हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक फ़ोन है आज, एक वीवो का Y81 मॉडल है जो कि MTK चिपसेट है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आप देख सकते होंगे कि जो भी MMC चेंज करता है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, कॉमन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट डिवाइस यूज लिमिटेड, इस तरह से एक एरर आता है। ये आता कब है? जब हम MMC चेंज करते हैं और इसकी RPM भी क्लीन करके लगाते हैं, तो फ्रेंड्स ये इसकी वजह से ये एरर आता है, बाकी कोई इशू नहीं है। MediaTek में RPM भी क्लीन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Vivo के MTK में RPM भी क्लीन अगर करेंगे तो ये एरर आएगा। मतलब इसके अंदर RPM भी नहीं क्लीन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आप RPM भी क्लीन करके वापस से अगर आप उसके अंदर RPM की फाइल डालते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, कैसे हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि USB से कैसे करना है। अगर आप MMC के अंदर काम कर रहे हैं तो आप JTAG से भी ये RPM की फाइल राइट कर सकते हैं, जैसे कि अंदर हैक्स की वगैरह आता है, फाइल डाल के कर सकते हैं, और UFI से भी कर सकते हैं काम। लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने कर दिया है और ये हमारे पास लेके आया है कि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये वीडियो में आपको ये सॉल्व कैसे करना है, ये हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे बाय फाइल से और अनलॉक से। ये पूरा वीडियो बताएंगे कि अनलॉक से या UMT से भी कर सकते हैं अब ये काम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, जो हमारा जो चैनल देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो हम फ्रेशर लोगों के बनाते हैं और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं हम उन लोगों के बनाते हैं, क्योंकि हम हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं, काम करना सीखते हैं जो मार्केट में नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी कर चुका है, उनके लिए तो ये वीडियो बेकार है देखना, ठीक है, तो वो स्किप कर सकते हैं। तो चलो आते हैं हम ये काम कैसे करना है, क्या करना है, फाइल कहाँ से मिलेगी, तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। आपको ये फाइल तो पूरी वेबसाइट पे फ्री में भी मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं भी मिल जाएगी, या फिर आप GYUMIROM पे भी, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है आप वहां से भी ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों जगह से है, मेरे पास फ्री का भी है और GYUMIROM से भी डाउनलोड किया हुआ है, दोनों जगह से है। तो मैं यहाँ पे दोनों जगह से भी डाउनलोड करके मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अनलॉक टूल को ओपन कर लेता हूँ और ये फोन को मैं यहाँ पे शट डाउन कर दिया, क्योंकि मुझे इसको ब्रो मोड में कनेक्ट करना है, जो ऑफ कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पे MediaTek के टैब में आ जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रीड RPM भी, राइट RPM भी और इरेज RPM भी। तो ये तीनों जगह से आप हमारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम है राइट करना। अगर आप रीड करना चाह रहे हो तो रीड, अगर आपके पास सेम टू सेम मॉडल है तो आप उसका RPM भी फाइल रीड करके इसमें डाल सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सेम फाइल, सेम फोन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गूगल से डाउनलोड किया हुआ फाइल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं राइट RPM भी पे क्लिक कर लेता हूँ और जो भी मेरी फाइल जहाँ पे भी रखी है मैं उस फंक्शन में चले जाता हूँ, उस फोल्डर में आ जाएंगे हम, वीवो के फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हूँ Y81 मॉडल का। यहाँ पे आ जाते हैं और मेरे पास दो तरीके के फाइल है, एक फाइल GYUMIROM से डाउनलोड किया हुआ है और एक फ्री वाले वेबसाइट से किया है। तो हम GYUMIROM वाले से कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं RPM 16 MB का फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फोन को वेटिंग का यहाँ पे बता रहा है, फोन को कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को की प्रेस कर लेते हैं और फोन को यहाँ पे कर लेते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और RPM भी राइटिंग हो रही है। वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो वेट करेंगे थोड़ा सा, हो सकता है 5 मिनट लग जाए क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है। देख सकते हैं 2% हो चुका है, तो 2% हुआ है मतलब मिनिमम 5 मिनट तो ये लेगा। थोड़ा सा हम इसको स्किप करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, एक बार नजर आइए। तो 13 मिनट्स लगा टोटल RPM भी फाइल डालने के लिए। आप देख सकते हैं RPM भी इस राइट हो गया, यहाँ पे ओके हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोन अभी चार्जिंग का लोगो आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे फोन अभी वहाँ से राइट होने के बाद ये रिबूट हो गया, लोगो पे चार्जिंग लोगो पे आ गया। एक बार मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। यहाँ पे हमने इसलिए 13 मिनट्स का वीडियो स्किप किया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता था, तो हमने RPM भी राइटिंग में यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज किए। लेकिन अभी यहाँ देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था टेस्ट डिवाइसेस लिमिट जो है वो हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे।
आपने बहुत सारे प्रॉब्लम ये देखे होंगे यूट्यूब पे, ये जो कि सॉल्व करने के लिए, जो कि जेटैक से ENMC या ISP लगा के आप RPMB की फाइल डाल के वहां से करते हैं, जैसे कि हैक्स की वगैरह जो आता है वो डाल के प्रोसेस करने का बताते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बिना ENMC निकाले USB से कैसे रिपेयर करना है, कैसा तरीका होता है, क्या होता है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे USB से बता रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ENMC से निकाल के भी ये प्रोसेस दिखा सकते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं हमारा यहाँ पे जो अनलॉक करने के बाद, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं पूरा चला गया है। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट डिवाइस जो आ रहा था लिखकर यूज लिमिटेड, वो हमारा USB से अनलॉक टूल से कैसे निकला है। यहाँ पे आपको सिंपली फाइल डालना है और यहाँ पे आपको वेट करना है कुछ 30 मिनट्स, आपके PC के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है PC की। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो हो सकता है राइट करने में ये 15-20 मिनट भी ले लें। ठीक है, तो आपको वेट करना है, जब तक ये टाइम लगेगा उतना वेट करना है। उतना वेट करने के बाद आपको यहाँ पे ये सब चीजें आपको हो जाएगी काम। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे USB से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और इस तरह से आपको करना है प्रोसेस। और जो ये वीडियो जानते हैं तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो आपको ये सॉल्यूशन जिसको नहीं पता है तो हमारे वीडियो से वो चीजें सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही हमारा सॉल्यूशन था, जो कि विदाउट ENMC निकाले USB से रिपेयर करना, ये काम आपको मैं आपको इस वीडियो में बताया। हो सकता है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे दूसरे टेक्नीशियन भाई को भी ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन स्टूडेंट को भी हमारे इस वीडियो का पता चले कि कैसे ये सॉल्व करते हैं USB से। तो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक्स।